मैं तो खाना और मैं खाऊंगी भी तो यहीं पे ही स्वाहा। What's up guys, how are you all, welcome back to my channel, hope you all are doing well. तो आज है थर्सडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 7 बज चुके हैं। मैं दौड़ दौड़ के रेडी हुई हूँ, यानी मैं शावर लेके आफ्टरनून में मैक्सी पहन के सोई थी, फिर अभी मुझे ऐसे लगता है मैं रेडी होके व्लॉग शूट करूँ। इनका फ़ोन आ गया, मैं नाश्ता खाने के लिए आ रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी से मैं रेडी हुई भाग भाग के, बट मैं रेडी हो ही नहीं पाई, लिपस्टिक लगा ही नहीं पाई। मैंने चेंज तो किया, लिपस्टिक नहीं लगा पाई, क्यों तो ये आ गए, इनको जल्दी जाना था, बोले थे मुझे काम है मैं जल्दी जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है, आपको मैं चाय पहले ही रख दी थी, मैंने जल्दी से खा के निकलो, वेफर्स लेके आए थे ये, तो वेफर्स खाए हैं, चाय ये पी के गए हैं, बाकी मैं और काजल है चाय पियेंगे, तो चाय पी लेते हैं। और आज मैंने पहना है ये बेलोड़ा का टी शर्ट और मेरी शॉर्ट जो ब्लू में पहनती हूँ, ब्लू शॉर्ट जो पहनती हूँ, अलीबाग में मैंने पहनी थी ये, तभी ये न्यू लेके आई थी जब ये अलीबाग गए थे तब की है। और टी शर्ट तो बायोडर्मा की है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बायोडर्मा से मिली है तो ये पहनी है मैंने। इसके ऊपर ये ब्लू शॉर्ट पे अच्छी लगेगी, ब्लू शॉर्ट हो ब्लू जीन हो तो ये अच्छी लगेगी, ब्लैक पे भी अच्छी लगेगी, तो मैंने आज ब्लू पे पहना है। वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है ना, ब्लैक का भी होगा बट ब्लू का ज़्यादा। तो चाय पीनी है, काजल और मैं पी लेते हैं। मैं इतनी भागी हूँ, जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज किए तो सही मैंने, फिर चाय रखी तब तक आ गए, मैंने चाय नहीं टकाई थी क्योंकि उन्होंने बोला था जल्दी से टका लेना चाय, तो फिर मैं आ जाता हूँ। तभी मैं भागी भागी हूँ ना, तो मुझे वो पसीने आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है, स्वेटिंग हो जाती है भाग भाग के, जल्दी जल्दी से काम करूँगी ना तो ऐसा होता है मेरे से। तो अभी ये गए नाश्ता खा के, चाय वगैरह पी के, काजल और मुझे पीनी है। और वीडियो एडिट हो रहा है, कल तो पोस्ट ही नहीं कर पाए, कल पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई थी मोबाइल में, वीडियो शूट किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी, तो उसकी वजह से कल पोस्ट नहीं हो पाया, बार बार ग्लिच हो रहा था बहुत ऐप में, तो नहीं हो पा रहा था एडिट, तो कल हमने छोड़ ही दिया। फिर कल तो मैंने आपके साथ शेयर किया, कल का व्लॉग मैंने शूट तो किया है कि हम मूवी बैठ के देख रहे थे तू झूठी मैं मक्कार, वो तो मस्त मजा आ गया मूवी देख के, रात को 1 बजे तक मैंने ब्लॉग तो शूट किया है, 1 बजे तक बैठ के टीवी देखी है हमने, मूवी देखी है, मज़ा आ गया। तो अभी चाय पी लेते हैं, ठंडी हो जाएगी, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो आई हूँ मैं चाय गर्म करने के लिए, काजल और मेरी, और अभी मेरे लिए एक बिस्किट रखे गए हैं, ये आधा टूट गया है उसमें पड़ा है, लेकिन वो बिस्किट ऐसे है वो टूट ही रहा है पूरा, तो मेरे लिए रखे गए हैं प्यार से, मैं तो खाना और मैं खाऊंगी भी। हाथ शेक हो रहे हैं, अभी मैं इतना डर गई, हाथ शेक ही हो रहा है मेरा काम में, जल्दी भाग भाग के करूंगी ना हाथ शेक होंगे, पूरा कैमरा नीचे गिर गई है हाथ से, मेरे कैमरा ही नीचे गिर गई और कैमरा का कोई पार्ट है वो निकल गया, अभी काजल ने वो अटैच किया, शुक्र टूटी नहीं, स्क्रीन अगर टूट जाती थी तो यहीं पे ही स्वाहा। तो जी अभी चाय पी रही हूं मैं, जस्ट मेरे ऐसे कैमरा गिर गई, मैं थोड़ी ऐसा हो गई, हाय ये तो आज नुकसान हो जाता था मेरा, सच में टूट जाती थी या स्क्रीन वगैरह को स्क्रैच आ जाता था या कुछ भी हो सकता था, इतनी महंगी चीज़। तो जल्दी जल्दी बहुत करती हूँ ऐसे, मेरा काम का ऐसा है ना, देरी होती है भागूंगी भागूंगी ना, उसमें कुछ ना कुछ गिरता है मेरे हाथ से, मीन्स मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ, मेरे हाथ शेक होते हैं ना, कुछ ना कुछ गिर जाता है, ऐसा ही होता है। तो अभी चाय पी लेती हूँ थोड़ी देर सुकून से, थोड़ा रिलैक्स होकर बैठती हूँ, बहुत भागी हूँ इवनिंग से, थोड़ा रिलैक्स होके फिर टीवी देखेंगे काजल और मैं।
तो अभी 9 बजे हैं, जस्ट अभी मैंने ये बेडशीट की थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर ली यहाँ पे। क्यों तो ये खाते पीते हैं ना, नाश्ता वगैरह आएंगे तो खाएंगे, चाय वगैरह पिएंगे। एक तो पहले से ही आज हमने वेफर्स खाए तो उसकी वजह से ना पूरे घिर जाते हैं। वैसे भी वो खाते हैं तो मैं कितनी दफ़ा तो उसको दिन में 10 बार तो मैं डस्टिंग करती रहती हूँ, चीटे उसको छंटती रहती हूँ। तो वो कितनी देर से मैं टीवी बैठ के देख रही थी तो बोल रही थी उठूँ, चाय वगैरह तो पी थी मैंने, मैं उठूँ तो ये बेडशीट थोड़ी यहाँ की बना लूँ। बाकी पिल्लो तो यहाँ के वहाँ पे पड़े हैं, वहाँ के यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ के वहाँ पे चले जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो पिल्लो वहाँ पे पड़े हैं, लेके आना है। दोपहर में मैं यहाँ से गई थी उधर सोने तो लेके गई थी। तो 9 बजे है, खाना तो मुझे आज दाल और राइस बनानी है। आफ्टरनून में रोटी हो गई, आलू मेथी बनाई थी आज मैंने, क्या मस्त बनी थी। तो अभी रोटी के साथ खा ली है, सुबह में मैगी बनाई थी नाश्ते में, और अभी रात को दाल राइस बनाऊंगी। क्यों तो फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या खाए। अभी ना दाल राइस में बनाती हूँ ना, तो इसके साथ ना दाल राइस के साथ ये अभी लेके आते हैं अपना ये लंच बॉक्स होता है ना, रेडी मिलते हैं लंच बॉक्स, उसमें फिर ऐसे ना फ्राई किए हुए खींचे आते हैं ना, मीन्स ऐसे फ्राई किए हुए स्नैक्स के जैसे रहते हैं वो, दाल राइस के साथ दोनों को अच्छा लगता है। काजल मुझे और इनको फ़ोन आ गया, तो दाल राइस के साथ वो लंच बॉक्स बहुत अच्छा लगता है खाने में। मीन्स तले हुए होते फ्राई किए हुए वेफल्स आते हैं वैसे रहते हैं, वो दाल राइस के साथ खाओ मस्त लगते हैं। तो जब भी अभी दाल राइस में रात के टाइम पे बनाती हूँ ना तो वही खाते हैं हम, तो वो भी लेके आएंगे। और दाल राइस तो फटाफट बन जाएंगे, अभी 9:10 ही हुए हैं, फटाफट बना लूँगी और गर्मा गर्म बैठ के खाएंगे, टीवी वगैरह देखेंगे, टाइम पास करेंगे, एंजॉय करेंगे। और खाना बनाने जाऊँगी ना तो ये मैं चेंज कर लूँगी अपना, क्यों तो अभी ये वाइट में पहन के खाना बनाऊँगी ना ख़राब हो जाएगा, इसके लिए चेंज ही कर लूँगी मैं। तो चेंज करके अपना मैक्सी पहनूंगी, फ्रेश होके अच्छे से कंफर्टेबल कपड़े पहन के। ये भी तो कंफर्टेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है, बट ये पूरा दिन नहीं पहन सकती। वाइट कलर तो किचन में तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आता है, किचन में वाइट नहीं हूँ, खड़ा हो जाएगा कभी क्या। मैं अपना जल्दी जल्दी में रहती हूँ, अपने में ही रहती हूँ, कुछ भी फिर लग जाए या क्या ख़राब हो जाए वाइट कपड़े तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये चेंज करके मैं खाना बना लूँगी, टीवी वगैरह देखेंगे, टाइम पास करेंगे, एंजॉय करेंगे। दाल राइस ही तो है, फटाफट बन जाएंगे, तो दाल राइस बना लेती हूँ। अभी भी आ चुके हैं, टीवी बैठ के देखा, टाइम पास किया है बहुत मैंने। ये रहा प्रेशर कुकर और राइस बन रहे हैं, किचन क्लीन कर लिया है और एक अवगार से पानी भर रहा था वो पूरा हो गया। वो ना मेरा सर में दर्द करता है, एक अवगार का जो आवाज़ है ना पूरा नॉइज सर में दर्द होता है, स्लो पे कर दिया है, नहीं तो ये दाल पूरा बह के ख़राब कर देगी गैस भी और प्रेशर कुकर भी। तो उसका ना नॉइज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एक अवगार का, मैं खड़ी रहती हूँ ना चालू रहता है ना खाना बनाने के टाइम, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। मैं बोलती हूँ मैं ना खड़ी रहूँ तभी वो आवाज़ कंटिन्यूसली चालू होता है, इतनी देर पानी भरने में लगता है बहुत। तो अभी दाल राइस रेडी हो रहे हैं, लंच बॉक्स अभी लेके आ रहे हैं, वो जो मैंने बोला फ्राई है वो खाएंगे साथ में दाल चावल के साथ और बैठ के टीवी देखेंगे।